जिना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आप आए मेरे पास, आज मैं आपको बहुत ही कमाल के टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो मैं घर में यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो भी टिप्स बताया जाता है उसको पूरा जरूर देखें, नहीं अधूरा ज्ञान है वो कई बार क्या है नुकसानदेह भी हो सकता है। तो मेरी वीडियो का ज्यादातर थैंक्स जाता है सुकन्या रावत जी को, भगवान आपकी हर इच्छा को पूरा करे। चलिए मैं आपको मेरा पहला ट्रिक बताती हूँ जो मैं करती हूँ। देखिए, ज्यादातर हम दूध पतीले में गर्म करते हैं तो नीचे क्या होता है, खुरचन सा दूध जम जाता है। तो पतीले में दूध डालने से पहले आप उसमें डालिएगा थोड़ा सा पानी और उसके बाद दूध को छानिएगा। कभी भी पतीले में नीचे दूध नहीं लगेगा, आपका दूध भी वेस्ट नहीं होगा, बर्तन भी खराब नहीं होगा। तो इस ट्रिक का फॉलो कीजिएगा, पतीला आपका साफ रहेगा और दूध नीचे नहीं जमेगा। जब भी आप लोग दाल बनाते हैं तो एक काम करिए, पहले तो परिवार के सदस्यों के हिसाब से नाप के दाल लीजिए कि कितने बंदों के लिए दाल बनानी है। फिर आप उसको साफ पानी से बड़े अच्छे से धो लीजिएगा, दो बार तीन बार जितना भी आपको उसमें मैल धो लीजिएगा, मैल नजर आता है। फिर आप उसमें पानी डाल के 20 मिनट के लिए छोड़िएगा, फिर दाल बनाइएगा। दाल बहुत गाढ़ी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी और गैस भी आपकी बचेगी। एक टिप्स मेरी और है, वो भी दूध को लेकर। अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं, दूध को गैस पे रखा है, तो देखिए आप दो मिट्टी के दिए डाल दीजिएगा, दूध कभी नहीं निकलेगा। दूसरी बात, ये दूध पिएंगे ना तो इसमें हांडी जैसा टेस्ट भी आएगा। अगली टिप्स है वो बहुत ही काम की है। अब देखिए, नहाने के लिए साबुन तो आप अलग अलग सुगंध के इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग महक के इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम इनके जो रैपर है इनका इस्तेमाल करेंगे। घर में छोटी बड़ी, छोटे बच्चों की बड़ों की शोक से बहुत होती है, एक गायब हो जाती है एक पड़ी रहती है। तो देखिए आप अपनी शोक का पेयर इकट्ठा कीजिए और रैपर के अंदर डालिए, हैं दूसरा लीजिए वो भी आप करिए रैपर में डालिए। एक बड़े सोप के जो रैपर होता है उसमें दो से तीन छोटी छोटी सोक्स आ जाती है। इसमें फायदा ये है कि एक तो आपकी सोक्स गुम नहीं होगी, आपको इकट्ठी मिल जाएगी और रखने में व्यवस्थित रहेगा। नेक्स्ट, जो भी साबुन होता है ना वो एंटीबैक्टीरियल होता है और वो इसके अंदर भी रैपर में भी होता है, तो आप जब पैरों में पहनेंगे तो आपके पैर भी स्वस्थ रहेगा। इस ट्रिक का आप जरूर फॉलो कीजिएगा और रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। अगली ट्रिप में ट्रिक बताती हूँ आपको। आजकल देखिए जो सहजन होता है, ड्रम स्टिक ट्री होता है या मोरिंगा जो होता है जिसको कहते हैं, इस पे इस तरह के फूल आए हुए, इसकी सब्जी बना के खाइए, आपके हाथ पैरों में शरीर में जहां भी दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप बहुत ही मस्त रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो का, पीछे वाली वीडियो का सॉरी, थैंक्स जाता है सुकन्या रावत जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।